हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी का नाम है मुंह दिखाई। हॉस्पिटल में बाहर बैठ दिशा सोच रही थी सुहानी का क्या होगा। 2 महीने बाद उसकी सगाई है। वो ऑपरेशन थिएटर में थी। दिशा की आंखों में अनवरत आंसू बह रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रही थी क्या करे। सुहानी के मम्मी पापा का हाल भी बहुत खराब था। सुहानी एक लौती बेटी थी उनकी। सुहानी का होने वाला ससुराल दूसरे शहर में था। उन लोगों के फोन लगातार आ रहे थे। सुहानी का होने वाला पति साहिल रास्ते में था और लगातार दिशा से संपर्क बनाए हुए था। सुहानी अपने घर की एक लौती लड़की थी। समझदार, सुंदर, सुघड़, हर काम में निपुण, पढ़ाई में सबसे आगे। कल की ही तो बात है, सुहानी की डिग्री पूरी होने के बाद कॉलेज के पुरस्कार समारोह से वो और दिशा दोनों खुशी खुशी घर लौट रहे थे। दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे कि उनके ही कॉलेज ने कुछ लड़के आए, जिनमें से महेश ने आकर सुहानी से कहा, तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? सुहानी ने गुस्से से उसे देखा और कहा, नहीं, कितनी बार तुम्हें कहा, अब मेरा पीछा छोड़ दो। तभी दिशा बोली, महेश, सुहानी की शादी तय हो गई है, अब उसे परेशान करना छोड़ दो। दिशा के मुंह से सुहानी की शादी की बात सुन महेश बौखला गया। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। तुम अगर मेरी ना हुई तो तुम्हें किसी और का होने का भी कोई हक नहीं है। गुस्से में अपनी गाड़ी से एक बोतल निकाली और फेंक दिया उस जहर को सुहानी के चेहरे पर। सुहानी बहुत जोर से चिल्लाई। वो तेजाब था जिससे सुहानी का आधा चेहरा और हाथ झुलस गए। दिशा भी बहुत जोर से चिल्लाते हुए लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी। तब तक महेश अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो चुका था। दिशा लोगों की मदद से सुहानी को अस्पताल लेकर आई। पुलिस केस होने की वजह से डॉक्टर थोड़ी आनाकानी करने लगे। दिशा के चिल्लाने और खुद पुलिस को फोन करने के बाद उन्होंने इलाज शुरू किया। दिशा ने सुहानी के घर पर फोन किया। पुलिस आने के बाद उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। महेश के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। कल से अभी तक सुहानी होश में नहीं आ पाई थी। डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे। दिशा सोच रही थी, अगर सुहानी महेश को नहीं चाहती तो उसमें उसकी क्या गलती? पर नहीं, अब क्या होगा? उसकी सगाई होगी या नहीं? बेचारी आगे का जीवन कैसे बिताएगी? पता नहीं क्या क्या ख्याल उसके मन में आ रहे थे। सुहानी की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके पापा तो कुछ कह नहीं पाए थे। दिशा अपने मन की उधेड़ बुन में बैठी थी कि साहिल ने उसे आकर पूछा, कैसी हो सुहानी? दिशा ने कहा, पता नहीं, ऑपरेशन थिएटर में है। फिर साहिल ने सुहानी के माँ पापा को ढाढ़स बंधाया कि सब ठीक होगा और दिशा से सारी बातों की जानकारी ली। दिशा ने उसे बताया कि महेश पिछले 5 सालों से सुहानी के पीछे लगा है, हमेशा उसे परेशान करता है। कई बार सुहानी ने उसके कॉलेज में कंप्लेन भी की। शायद उसे ये पता लग गया था कि सुहानी की शादी तय हो गई है, इसलिए उसने यह हरकत की। दिशा से बात करने के बाद साहिल सुहानी के डॉक्टर से मिला और सुहानी की परिस्थिति की सारी जानकारी ली। डॉक्टर ने कहा वो अभी कुछ नहीं कह सकते कि सुहानी कब तक ठीक होगी। हालांकि अब वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। सुहानी शाम तक पूरे होश में आ गई थी। उसकी जगह जगह पट्टी लगी हुई थी। उसने नर्स से कहा उसे अपना चेहरा देखना है। नर्स ने पहले तो मना कर दिया, पर सुहानी की जिद करने पर उन्होंने उसे उसका चेहरा दिखाया। अपना चेहरा देख सुहानी इतनी जोर से चीखी कि पूरे अस्पताल वालों की रूह कांप उठी। उसका सुंदर चेहरा अब इतना कुरूप हो चुका था कि वो खुद को भी नहीं देखना चाहती थी। दिशा, साहिल और उसके मम्मी पापा से मिलने पर सुहानी बहुत रोई। तब साहिल ने उसे कहा, उसे रोने की जरूरत नहीं है,
रोने की जरूरत अब महेश को है। उसने अच्छा वकील कर लिया है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। रात को दिशा ने मम्मी पापा को घर भेज दिया, पर साहिल जाने को तैयार नहीं था। सुहानी ने साहिल से कहा, आप अगर चाहें तो किसी और से शादी कर सकते हैं, अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है। तो साहिल ने उसे चुप रहने को कहा। सुहानी की आंखों में आंसू थे और साहिल की आंखों में प्यार। सुहानी के ठीक होने के बाद उनकी सगाई नियत समय पर हुई। ज़्यादा मेहमानों को बुलाने की जगह उन्होंने सिर्फ घर के लोगों को बुलाकर सगाई की। सुहानी के माँ पापा ने साहिल को खूब आशीर्वाद दिया और उसके माँ पापा को खूब धन्यवाद। तो साहिल के माँ पापा ने एक संगीत और मुँह दिखाई की रस्म रखी, एक बड़ा सा जलसा रखा, अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, सुहानी के सभी रिश्तेदारों को बुलाया। सुहानी बहुत घबरा रही थी, ऐसा चेहरा लेकर सबके सामने जाएगी, सब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि वो अभी तक ज़्यादा बाहर गई ही नहीं थी और उसे चिंता थी कि सब साहिल और उसके परिवार की बदनामी करेंगे। साहिल ने उसे देख उसकी चिंता समझ गए, उसने माँ को भेजा। माँ सुहानी के कमरे में आई, उसकी घबराहट वो समझ रही थी, बस इतना बोली, घबराओ नहीं बेटा। उसे तैयार करके घूंघट में स्टेज पर लेकर गई। सब उसके पास आते ही उसकी तरफ देखने लगे, तब सासू माँ ने घूंघट उठाया। जब सुहानी का चेहरा देख बातें बनाने लगे, कोई हंसने लगा, कोई कुछ कहने लगा, सुहानी की आंखों से आंसू छलकने लगे। आप सब यहाँ मेरी बेटी समान बहू की मुंह दिखाई में आए हैं, आप यदि उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको यहाँ रुकने का कोई अधिकार नहीं है। वो मेरे घर की लक्ष्मी है, उसका मन मेरा सम्मान है, और हमने ये शादी सिर्फ बहू की सुंदरता को देखकर नहीं की, उसके सुलझे हुए स्वभाव, गुण, समझदारी देखकर तय की है। अगर ऐसा कोई हादसा किसी के बेटे के साथ शादी के बाद हो जाता तो क्या बहू उसे छोड़कर चली जाती? नहीं जाती। हर औरत अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है, वो किसी के सूरत देखकर कुछ नहीं करती। मुझे खुशी है कि सुहानी जैसी समझदार और सर्वगुण संपन्न बेटी मेरी बहू बनकर आई है। मेरे बेटे के लिए उससे अच्छी जीवन संगिनी कोई और नहीं हो सकती। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपनी और मेरी गृहलक्ष्मी का हमेशा सम्मान करें। धन्यवाद। उनके इतना कहते ही सबने तालियां बजाई और सुहानी को खूब आशीर्वाद दिया। अब सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू थे, आखिर उसकी मुंह दिखाई हो गई थी। एक महीने बाद दोनों की शादी भी रजिस्टर करके की।